मैं वैशाली शाह, मेरी उम्र 39 इयर्स है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे लड़का 14 इयर्स का है। मुझे 2004 में टीबी हुआ था, तो 6 मंथ का कोर्स था। वो अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मुझे MDR हुआ, जो 2015 में हुआ है। जो 2 साल का कोर्स खत्म किए करने के बावजूद भी मुझे लास्ट रिपोर्ट, मतलब जो एकदम लास्ट रहते हैं, वो पॉजिटिव आया। और वो दरमियान जो भी मैंने 12 महीने, मतलब 2 साल का जो भी कोर्स किया, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज, मतलब सिर दुखना या पीठ दर्द होना या बदन दर्द होना, आँखें लाइट, मतलब लाइट्स बहुत पावरफुल लगना, वॉमिटिंग बहुत से, मतलब 6 महीने तक इंजेक्शन भी लिए। सब ट्रीटमेंट खत्म होने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया। फिर भी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जब भी हमने बोला कि अभी और भी प्रॉब्लम लग रही है, पर उन्होंने बोला ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो चुकी है और जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आपको आगे ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। इसके लिए 3 मंथ्स लग गए जब भी वापस रिपोर्ट आने में और मुझे वापस ये करने के लिए, तो मुझे FDR बताया गया। और FDR ट्रीटमेंट के लिए भी अभी चालू तो कर दिया, पर जब तक रिपोर्ट आई फिर उसमें बताया गया कि जो हिंदुजा में हमने करवाया DST रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि अभी ऐसी ऐसी दवाई आपको काम कर रही है और आप ट्रीटमेंट चालू करो। ट्रीटमेंट चालू के दरमियान हम प्राइवेट में भी कांटेक्ट में थे और साथ में गवर्नमेंट से भी दवाई ले रहे थे, पर फिर भी हिंदुजा से और यहाँ से हमको बताया गया कि आपको ये जो BDQ वो चालू कर दीजिए। FDR को 8 महीना हो गया मुझे ट्रीटमेंट चालू है, उसके बावजूद और ट्रीटमेंट चालू के दरमियान वही जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स था, वॉमिटिंग या कुछ भी जो हेडेक होना, बहुत जो मॉक्सी करके गोली है उससे भी ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ होती है मेडिसिन लेने में। और फिर भी जब ये बीड़ी को चालू करने की बात आई, वो FDR के दरमियान मुझे दिसंबर में, मतलब कि 6 महीने के अंदर, क्या 3-4 महीने के अंदर मुझे हार्ट कन्वर्शन, मतलब हार्ट को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, साइड इफेक्ट जो गोली की, वो गोली की साइड इफेक्ट की वजह से मुझे हार्ट 30% काम करने को लगा। और इमरजेंसी में मुझे कारवा हॉस्पिटल में, लॉबी वाली से हूँ, वहाँ मुझे एडमिट किया गया 10 दिन तक। उसके बाद मैं यहाँ मुझसे, मतलब गवर्नमेंट से, मतलब जो मैं डोंबिवली में रहती हूँ वहाँ से कांटेक्ट करके मुझे कलवा लेके जाते थे। यहाँ के बाद फिर शताब्दी हॉस्पिटल से हमको एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि BDQ चालू करो, पर आप यहाँ CVD में एडमिट होना पड़ेगा। तो CVD में हम एडमिट होने को आए, पर डॉक्टर ने हमें एडमिट करने के लिए मना किया क्योंकि BDQ के लिए फिट नहीं हो, क्योंकि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका था, एक दिन के लिए हुआ था पर हो चुका था, पर मैं 3 महीने से बाद में ठीक थी। तो मैंने बोला कि मुझे BDQ दो, तो फिर KEM से मुझे डॉक्टर आठवले करके जो आई, उन्होंने मुझे पर्सनली मुझे अटेंड किया, देखा और फिर बोला कि आप फिट हो और इसको BDQ चालू करो। ऐसे कर करके FDR का ट्रीटमेंट चालू करने के बाद 6 महीने या 4 महीने के बाद मुझे BDQ चालू होने के बावजूद भी थी 3 मंथ्स के बाद मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि FDR का ट्रीटमेंट भी चालू है, MDR भी मैंने लिया, अभी ये मेडिसिन खाते खाते भी मेरी तकलीफ बहुत है। अभी भी मैंने कैथेटर लगाया है हाथ में, जो दिख रहा है, जो हाथ में दिख रहा है वो भी मैंने लेने के लिए, जो MSF ने मुझे मदद की, जो शताब्दी से जो डॉक्टर है उन्होंने MSF के लिए मुझे, हमें बोला, हमारे फैमिली, मेरे भाई जो भी है, सपोर्ट बहुत है, पर हम शरीर काम करना नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन से बहुत साइड इफेक्ट भी हो रही और रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो फिर डेलामाइंड करके जो गोली और इनफेनम्स जो इंजेक्शन है वो भी अभी मुझे 20 दिन हुआ है जो मैं अभी लेना ले रहे हैं, क्योंकि मैं BDQ के लिए वेट करना नहीं चाहती, 6 मंथ तक मैं नहीं ले पाऊँ, वो ख़त्म हुए और फिर बाद में मुझे डिसीजन लेना पड़े, इसके लिए हमने अभी से ही वो दवाई मेडिसिन चालू कर ली है। अभी मुझे तो भी अभी रिपोर्ट कैसे है उसके लिए वेट कर रही हूँ। मैं जल्दी अच्छे से ठीक होना है, आप सबका सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट से भी मैं अप्लाई ये करूँगी कि आप जैसे कुछ चार्ज करिए, ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे पेशेंट को आगे, मतलब पेशेंट को वेट ना करना पड़े। मेडिसिन ऐसी बनाइए, शॉर्टकट वाला पीरियड बनाओ या ऐसा कुछ सर्च करो कि पेशेंट को तकलीफ ना हो।
और एक बात है कि जो पेशेंट को तकलीफ होती है, जब भी जहाँ भी डॉक्टर लोग हैं, गवर्नमेंट में बहुत फैसिलिटी अच्छी है, सब जगह दवाई इतनी मुफ्त मिल रही, तो गाइडेंस सबको देना चाहिए और जल्दी से पेशेंट को क्या बोलते हैं, जो जो पेशेंट को अच्छे से गाइड करो क्या खाना पीना जो भी है। पर मुझे भी, मैं तो मेरे सपोर्टेड है, मेरा खाना बहुत कम जाता है, दम बहुत लगता है, बहुत सारी परेशानी अभी भी मुझे है, इतनी मैं फिट नहीं हूँ, खाना भी इतना कम जा रहा है, पर जिंदा हूँ अभी तक और आगे जिंदा रहे। तो आप सब जो MSF वाले, जो गवर्नमेंट है, जो GTB हॉस्पिटल, जो भी है, जो प्राइवेट वाले डॉक्टर है, हिंदुजा वाले, जो भी है, सब मुझे सपोर्ट करे और मुझे बचा है। बस थैंक यू ऑल ऑफ सिस्टर एंड।